गोपीकांदर थाना अंतर्गत दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर रंगा मिशन फुटबॉल मैदान के पास बीते सोमवार की देर रात रासायनिक खाद लदी एलपी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक और उपचालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर गोपीकांदर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। चालक जयप्रकाश यादव ने बताया कि वो अपने साथी उपचालक जितेंद्र यादव के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर JH15D4525 ट्रक में देवघर से रासायनिक खाद लेकर साहिबगंज जिले के बरहेट जा रहा था। थाना क्षेत्र के रंगा मिशन के ढलान के पास पाकुड़ की तरफ से कोयला लेकर हाईवा आ रही थी और बीते 1 जनवरी की रात दुर्गापुर में सड़क हादसे में आक्रोशित भीड़ द्वारा जलाए गए हाईवा भी आग में रहने के कारण चालक ने अपने आप को बचाते हुए ट्रक को दाई ओर मोड़ दिया, जिससे ट्रक असंतुलित होकर रोड किनारे गड्ढे में जा पलटा। आज मंगलवार को ट्रक को पुलिस और क्रैंक गाड़ी के सहयोग से गड्ढे से बाहर रोड पर निकाला गया और पुलिस ने ट्रक और रासायनिक खाद को अपने कब्जे में ले लिया। गोपीकांदर से पंकज कुमार मंडल की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।